और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, तो आज हम आने वाले हैं अपने ईसॉप के लास्ट इलस्ट्रेशन पर, यानी कि ईसॉप के इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, बस एक लास्ट रह गया है, वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज। मतलब क्या बोल रहे हैं कि चॉइस लिमिटेड यानी कि एक कंपनी है जिन्होंने ग्रांट करे हैं कितने ऑप्शन, 100, लेकिन टोटल 100 नहीं है, 100 हर एक को, देखो ईच वर्ड लिखा है ना, हर एक को 100 दिए हैं, मतलब टोटल हो गए आपके 1000 × 100 = 1,00,000। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए, 1,00,000, क्योंकि हर एम्प्लॉयज को दिए हैं और हर एम्प्लॉय कितनी है, टोटल 1000। तो 1000 का इंटू 100 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,00,000। तो 1,00,000 ऑप्शंस दिए हैं, कब दिए हैं, ऑन 1 अप्रैल 2011, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ग्रांट डेट फॉर ₹20। हम कितने में दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ₹20 में। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, तभी तो हम डिस्काउंट निकाल पाएंगे। तो ₹20 में दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर इट इज वेस्टेड। मेनली यही होता है कि जब हमारा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है, और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, लास्ट इलस्ट्रेशन है तो आपको पता ही होगा, वेस्टिंग पीरियड वो स्पेसिफिक पीरियड होता है जितना एम्प्लॉयज को कंपनी के लिए काम करना होता है। मतलब अगर कंपनी के लिए एम्प्लॉयज ने उतना पीरियड काम कर लिया, इतना पीरियड काम कर लिया, तो उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज पीरियड, और वो एक्सरसाइज पीरियड कितना है, 1 साल, और जनरली वो 1 साल ही होता है, मेनली हमने क्वेश्चंस में देखा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो जिसका हमें था इंतज़ार मार्केट प्राइस, वो हमें मिल चुका है। मार्केट प्राइस कितना है, ₹50, और हम दे कितना रहे हैं, ₹20, यानी अगर हम मार्केट में बेचते तो ये जाता हमारा शेयर ₹50 का, और हम अपने एम्प्लॉयज से बोल रहे हैं उनको देने के लिए कितने का, 20 का। तो देखिए ₹50 अगर बाहर बेचते और अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं 20 का, तो ₹30 का हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं डिस्काउंट, ₹30 का हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं डिस्काउंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे लिए लॉस, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, अभी टेंशन, मतलब अभी तो हम बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आराम आराम से एंट्री करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो चलो, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो बच्चों को मेनली दिक्कत आती है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। क्या आती है वो अब शुरू है, वो बोल रहे हैं दीज ऑप्शन विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1। मतलब यहाँ पर ना वेस्टिंग पीरियड डिसाइड ही नहीं है, हर बार बोल देते हैं वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, 4.5 साल है, 5 साल है, पर यहाँ बोल रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड डिसाइड ही नहीं है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वेस्टिंग पीरियड कितना होगा। ये बोल रहे हैं वेस्टिंग पीरियड 1 साल हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, इफ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। तो हमें देखना पड़ेगा क्या चॉइस लिमिटेड की अर्निंग 16% है, 16% है, अगर 16% हाँ है तो उसका क्या हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा 1 साल, और जब वेस्टिंग पीरियड 1 साल होता है तो हमें तो वो जो एक्सपेंस होता है वो रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम दे देते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल है कि नहीं। तो देखो बात कब की थी, 1 अप्रैल 2011 की, इसे मैं कॉपी में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बात कब की थी, 1 अप्रैल 2011, बीच में उन्होंने क्रॉस रखा है, क्रॉस की जगह हम अपने
एज्यूम करते हैं यहाँ पर कितना है 1 2011। वो बोल रहे हैं ये 2012 हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा लिखा है मैंने, अगर यहाँ पर जो अर्निंग्स होंगी वो 16% हो जाएंगी, तो हमें अर्निंग्स देखनी पड़ेंगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम एक्सपेंस बनाने ही जा रहे थे, बनाया नहीं था, बनाने ही जा रहे थे, तो हमने देखा क्या अर्निंग 16% है। तो देखो ये आपको फॉलोइंग इज द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड, चॉइस लिमिटेड की अर्निंग दे रखी है 31 मार्च 2012 की, मतलब जब हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने जा ही रहे थे तब हमने देख लिया कि अरे वेस्टिंग पीरियड कितना है, तो देखा तो यहाँ पर 14% थी, मतलब हमें कितनी चाहिए थी 16%, लेकिन अर्निंग कितनी हुई सिर्फ 14%। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं हुआ, तो कम से कम वेस्टिंग पीरियड 2 साल तो होना चाहिए, तो कितना हो गया 2013। अब हमें 2013 की अर्निंग्स अभी पता नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी यहाँ खड़े हैं और हमें ये पता है कि 2012 की अर्निंग 16% नहीं है, तो 2012 की अर्निंग कितनी है 14%। तो मतलब ये तो पक्का पक्का है कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं है, तो वेस्टिंग पीरियड कितना होगा 2 साल। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2012। तो फिर से सुन लेना जिसे समझ में ना आया हो, 31 मार्च 2012 को जब हम एक्सपायरेंस रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे तब हमने देखा कि अरे यहाँ पे तो हमारी अर्निंग उतनी हुई नहीं है, 16 होनी चाहिए थी लेकिन हुई है 14%, यानी कि इस साल हम वेस्टिंग पीरियड नहीं करेंगे, तो हमारा वेस्टिंग पीरियड 1 साल तो नहीं हुआ, तो वेस्टिंग पीरियड कितना हुआ 2 साल। तो 31 मार्च 2012 के लिए वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 साल। तो इसके बेस पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 31 मार्च 2012 का एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। और एंट्रीज को बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट, जिससे कि एंट्रीज हमारी एकदम करेक्ट और फटाफट हो जाती हैं। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड हमारे हिसाब से 31 मार्च 2012 को कितना है 2 साल। तो चलो अब वो बोल रहे हैं ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, तो हमें सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितने। तो देखो ऑप्शंस दिए कितने थे, 1000 × 100 यानी कि 1 लाख, और क्या कुछ लोग बीच में से भाग गए हैं, तो देखो ये वाली लाइन पढ़ना, 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2012, मतलब जिस दिन हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे उससे पहले ही 5000 लोग भाग गए, यानी कि हमारे टोटल ऑप्शंस कितने थे 1 लाख, उसमें से 5000 लोग भाग गए, तो बचे कितने 95000। ये तो आपने बताया, अब मेरा कैलकुलेटर भी बताएगा। ऑप्शंस थे 100 × 1000, 1000 क्यों इंटू कर दिया, क्योंकि हर एम्प्लॉयज को 100 मिल रहे हैं, -5000, तो कितने बचे 95000। अब देखो ऑप्शंस पता चल गए हमें 95000, और डिस्काउंट हमने निकाल रखा था कितना 30 रुपीज, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, पहले ही हमने कैलकुलेट कर दिया। वेस्टिंग पीरियड हमने देखा था अभी पीछे 2 साल, तो वेस्टिंग पीरियड भी पता चल गया। ये फॉर्मूला तो अब तक याद हो गया होगा आपको, मैंने हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से किया है, इनटू पीरियड कंप्लीट, अभी तक कितना हुआ 1 साल, क्योंकि 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक कितना पीरियड कंप्लीट हुआ है 1 साल। क्या इससे पहले हमने कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, नहीं, तो यहाँ हमने कर दिया निल। अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 95000 × 30 रुपीज़, ये आ गया हमारा पूरा लॉस, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वेस्टिंग पीरियड से।
तो हमारा पहले वाले का कितना आ गया, 14,25,000। तो पहला वाला समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ दिक्कत आई, किस पॉइंट पर दिक्कत आई। एक बार फिर से समरी देख लो छोटी सी, कि 95,000 कैसे आया। टोटल 1 लाख ऑप्शंस थे और 5,000 31 मार्च 2012 को चले गए, तो उनके लिए हमने नहीं बनाया है, सिर्फ हमने किसके लिए बनाया है, 95,000, मतलब 1 लाख में से 5,000 हटा के। और वेस्टिंग पीरियड 1 साल तो था नहीं, क्योंकि उसमें हमारी अर्निंग हुई नहीं, ये हमने यहाँ देख लिया था, है ना, उतनी अर्निंग हुई नहीं थी, तो हमें पता चल गया कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल तो नहीं है बल्कि 2 ही साल होगा। तो वेस्टिंग पीरियड पे हमने कितना लिख दिया, 2 साल, और पीरियड कंप्लीट 1 ही साल हुए है। क्या इससे पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया था? नहीं, यानी कि नहीं। तो इससे हमने पहला साल का तो निकाल लिया। अब हमें बढ़ना है दूसरे साल की तरफ। दूसरे साल मतलब 31 मार्च 2013 की तरफ, ठीक है। यहाँ भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, और डिस्काउंट तो हमारा वही रहेगा 30 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग निकालने पड़ेंगे, तो देखो ये आप कब निकाल रहे हैं, 31 मार्च 2013 का। तो 5,000 तो चले गए थे 31 मार्च 2012 को, और 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2013 को। तो जब हम 31 मार्च 2013 को बना रहे थे एक्सपेंस, तब 4,000 लोग और चले गए, मतलब ऑप्शंस टोटल थे 1 लाख, उसमें से 5,000 तो पहले ही भाग गए, अब 4,000 और लोग चले गए, मतलब कितने बचे, 91,000। तो ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग कितने हुए, 91,000। डिस्काउंट हमारा 30 पहले ही निकाल चुके, 50 में से 20 माइनस करके। वेस्टिंग पीरियड चलो अभी देखते हैं, इनटू अब पीरियड कितने हो गए, पहले 1 साल और अब 2 साल। क्या पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया था? अभी तो किया, कितना किया था, पीछे से कॉपी पेस्ट कर लो, 14,25,000। तो ये आ गया आपका 14,25,000, ठीक है। बस वेस्टिंग पीरियड पे वो चलो हम देखते हैं। वेस्टिंग पीरियड के लिए क्या बोल रहे हैं, देखो पूरा क्वेश्चन एक संग कर रहे थे तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमें छोटा छोटा पोर्शन करना चाहिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अब वो बोल रहे हैं कि 1 साल तो नहीं हुआ, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2, यानी कि वो बोल रहे हैं 2 साल वेस्टिंग पीरियड तब होता जब इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर्स विल बी 13%, यानी कि अगर एवरेज ईयर 2 साल की कितनी हो जाए, 13%, तो हम वेस्टिंग पीरियड कर देंगे 2। तो 31 मार्च 2013 को हम देख रहे हैं, क्या ये इस साल वेस्ट हो गए 2 साल में कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा क्या एवरेज अर्निंग 13% आ रही है कि नहीं। तो एवरेज अर्निंग देखो, फर्स्ट ईयर में कितनी अर्निंग है, 14%, और सेकेंड ईयर में कितनी है, 10%। तो फर्स्ट ईयर में 14%, सेकेंड ईयर में 10%, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया 2, और अब हम देखते हैं कि एवरेज आ रहा है कि नहीं। तो 14 + 10 / 2 कितना हुआ, 12%। उन्होंने क्या बोला था, 13%। अगर 13% होता तो वेस्टिंग पीरियड कितना होता, 2 ईयर, लेकिन यहाँ पर 13% नहीं है बल्कि कितना है, 12%। तो क्या 2 साल में हम ऑप्शंस को वेस्ट कर दें, नहीं, वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। क्यों हो गया वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर, अगर 2 ईयर होता तो 31 मार्च 2013 को, यहाँ पे 2 ही साल तो हो गए, 1 साल हो गया था 31 मार्च 2012 को, और दूसरा साल हो गया 31 मार्च 2013 को, तो हम यहाँ पर वेस्ट कर देते तब
तभी करते जब हमारी अर्निंग जो एवरेज है वो 13% आती, लेकिन एवरेज अर्निंग हमारी 13% नहीं आई, कितनी आई सिर्फ और सिर्फ 12%। इसलिए हमने वेस्टिंग पीरियड कितना किया, 2 की जगह 3 वेस्टिंग पीरियड। एक लास्ट लाइन और बोल रहे थे, वो और पढ़ लेते हैं फटाफट। और लास्टली इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द थ्री थर्ड ईयर, वो बोल रहे हैं वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा 3 साल, इफ द एवरेज अर्निंग कितने साल की, 3 साल की, विल बी 10%। तो देखते हैं, चलो पहले ईयर की कितनी थी, 14%, दूसरे ईयर की कितनी थी, 10%, और तीसरे की 7, तो +10 +7। अब हमने 3 को क्यों प्लस किया, क्योंकि हम यहां पर एवरेज निकालने हैं 3 साल का। फटाफट निकालते हैं, 14 + 10 + 7 / 3, तो ये आपका आ गया 10.33। उन्होंने क्या बोला था, 10%, और ये तो हमारा ज्यादा है, तो अच्छी बात है, मतलब कि वेस्टिंग पीरियड पक्का है कि कितना हो गया, 3 ईयर्स। तो अब जब भी हम वेस्टिंग पीरियड लिखें